नमस्कार, मैं हूं होशियार सिंह शर्मा, प्रेसिडेंट एसएसटी लाडवा हिसार एनजीओ, प्रिंसिपल विश्व भारती वर्तमान सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाडवा हिसार, और आप सुन रहे हैं एसएसटी मन की बात। आज की बात का विषय है एसएसटी लाडवा हिसार एनजीओ के साथ आपके और प्रत्येक एनजीओ के 5 प्राथमिक कार्य। भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, आज मैं एसएसटी लाडवा हिसार एनजीओ के साथ प्रत्येक एनजीओ के 5 प्राथमिक कार्यों के बारे में बात करना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि आप सब भी एसएसटी एनजीओ के साथ ये 5 प्राथमिक कार्य अवश्य करें, और प्रत्येक एनजीओ को ये 5 प्राथमिक कार्य अवश्य करने चाहिए। एनजीओ चाहे छोटा हो या बड़ा, एनजीओ चाहे एक परिवार हो या समूचा राष्ट्र हो, आपका परिवार, आपका एनजीओ चाहे स्थानीय स्तर का हो, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे राज्य स्तर का हो, चाहे राष्ट्र स्तर का हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी एनजीओ हो, कैसा भी एनजीओ हो, प्रत्येक को हमारे एनजीओ एसएसटी लाडवा हिसार की तरह प्राथमिक स्तर पर ये 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। पहला कार्य, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना। दूसरा कार्य, लोगों को शोषण से बचाना। तीसरा कार्य, अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करना। चौथा कार्य, दान लेना और दान देना। पांचवा कार्य, लोगों को शिक्षा और संस्कार देना। भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, प्रत्येक एनजीओ को और हम सब को दान लेने और दान देने, सहायता लेने और सहायता करने में संकोच नहीं करना चाहिए। एनजीओ को संपन्न और खुशहाल लोगों से दान लेना चाहिए, और ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को दान देना चाहिए। दान से हर अच्छा और संस्कारवान कार्य किया जा सकता है। दान लेना और दान करना ये साधारण कार्य नहीं है, ये विशेष और संस्कार युक्त कार्य हैं। भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, ये कैसी विडंबना है कि एनजीओ बहुत से कार्य करते हैं लेकिन आवश्यक प्राथमिक कार्य नहीं करते, जो कि हर एनजीओ को ये कार्य करने बहुत ही ज़रूरी हैं। देश और प्रदेश की हर एनजीओ से और देश के हर संपन्न नागरिक से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आइए हम सब मिलकर आपके अपने एनजीओ एसएसटी लाडवा हिसार के साथ ये 5 प्राथमिक कार्य करें, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, लोगों को जागरूक करें, लोगों को शोषण से बचाएं, लोगों को दान लेना और दान करना सिखाएं, लोगों को शिक्षा और संस्कार सिखाएं,
भाई और बहनों, देवी और सजनों, इस कोरोना वैश्विक महामारी में जो लोग मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों का शोषण करने में जुटे हुए हैं, अपनी सेवाएं और अपनी वस्तुएं बहुत महंगे दामों पर बेच रहे हैं, लोगों के साथ लूटपाट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के वशभूत होकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, झूठी भ्रामक खबरें फैलाकर झूठी चर्चा चुगली कर रहे हैं। संक्षेप में उदाहरण के तौर पर कुछ डॉक्टर लोग महंगी दवाइयां बेच रहे हैं, 100 रुपये की दवाई का मोल 10,000 रुपये ले रहे हैं, अपनी ओपीडी सेवाओं की महंगी फीस वसूल कर रहे हैं, अनावश्यक टेस्टों के नाम पर लाखों रुपए ठग रहे हैं। इसी प्रकार इधर कुछ पुलिस वाले भी अनावश्यक तौर से लोगों के साथ लूटपाट कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोग भी झूठी खबरें फैलाकर लोगों को गुमराह करके लोगों के साथ लूटपाट कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, देवियों और सजनों, इस कोरोना महामारी ने कई परिवारों को समूल नाश कर दिया है। बहुत से लोगों की दशा बहुत दयनीय कर दी है। भ्रष्ट लोगों ने अपराध से, भ्रष्टाचार से अपनी जेबें भर ली हैं, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। आइए हम सब मिलकर इस भ्रष्टाचार, इस लूटपाट पर अंकुश लगाएं और प्रोटोकॉल व राज आज्ञा का पालन करते हुए लोगों को शोषण से बचाएं, लोगों को जागरूक करके उनको शिक्षा और संस्कार देने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ SST मन की बात का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद। जय SST। जय हिंद।